लाखों में एक बार होने वाले कॉन्सिडेंस है। सबसे पहले लास वेगास के फ्लेमिंगो होटल की पूल पार्टी में दो लोग तैरते हुए टकराते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, बिकॉज यह दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे। यहाँ तक कि दोनों ने एक जैसी टोपी भी लगाई थी और एक ही जैसा चश्मा भी पहना था और दोनों की बॉडी भी बिल्कुल एक जैसी ही थी, यानी कि दोनों ही मोटे मोटे थे। नंबर 2, 1945 में यामागुची नाम का एक आदमी हिरोशिमा घूमने गया था और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है जिसमें उसकी बॉडी थोड़ी बहुत जल जाती है पर वह बच जाता है। इसके बाद वो अपने घर नागासाकी आता है। उसे नागासाकी आने में 3 दिन लग गए। वह नागासाकी पहुंचते ही अपने ऑफिस गया और अपने बॉस को सारी बातें बताई, लेकिन उसका बॉस उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी एक और बम ब्लास्ट होता है एंड गेस व्हाट, ये ब्लास्ट उसकी बिल्डिंग के पास ही होता है, लेकिन इस बार भी वो बच गया। वो तुरंत भागकर अपने घर गया तो उसका घर पूरी तरह से तबाह हो गया था, बट उसके बीवी बच्चे जिंदा बच गए थे, बिकॉज उसकी बीवी उसके लिए ही दवाई खरीदने गई थी और ब्लास्ट के समय उसकी बीवी पास के एक टनल में घुस गई थी। क्या किस्मत थी बंदे की, हजारों लोगों में वो दो बार जिंदा बच गया।